हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तन्वी एंड यू वाचिंग ब्लू वर्ल्ड। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी। सो गाइस, अगेन आई एम बैक टू विद अ न्यू वीडियो। इट्स टोटली न्यू एंड डिफरेंट एंड यू मस्ट बी हैव अ सीन दैट टाइटल, आई नो गाइस। सो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स मूव ऑन द वीडियो गाइस। सो गाइज, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रिव्यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट, जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस क्रीम के साथ कैसा रहा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि आपको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, जैसे कि मैं कन्फ्यूज थी इसे लेने से पहले। सो जो भी होगा मैं आपके साथ एकदम सच, और जो भी है इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रूली शेयर करूंगी। सो गाइस, इस क्रीम का जो नाम है वो है हाइड्रोकेनिक वाटर जेल। सो गाइस, ये पारस ने लॉन्च किया, मे बी ये ऑनर भी है इस प्रोडक्ट का, इनकी वेबसाइट है जहां से मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया था। और इसका जो प्राइस है गाइस, 599 प्राइस है इसका, वेरी कॉस्टली। इस क्रीम के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया, सबसे पहले मैं अपना स्किन टाइप बता देती हूँ आपको। जो मेरा स्किन टाइप है वो सेंसिटिव और ड्राई है। सो गाइस, इस क्रीम को मैंने फर्स्ट डे जब ये आई थी, मैंने इसे 599 में लिया है, ऑलमोस्ट 600 रुपीस। सो गाइस, जब ये फर्स्ट डे आई थी मेरे घर पर बाय कॉरियर, तो मैंने इसे फर्स्ट नाइट लगाया तो मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ ऐसा नहीं लगा, कुछ भी बहुत अच्छा स्मूथ लग रहा था। उसके फोर डेज बाद गाइस इसने कुछ रिएक्शन करना शुरू किया मेरे फेस पर। आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे पूरे फेस पर छोटे छोटे पिंपल, वाइट छोटे छोटे दाने यहाँ पर तो बहुत बुरी तरह से, और मेरे फेस पर इचिंग होती थी बहुत गंदे तरीके से, ऐसे ऐसे मैं रैश करती थी अपने पूरे फेस को। और अभी आप देख पा रहे हो, ये अभी एक है, बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया अपना फेस। मुझे पता है मैंने क्या फेस किया है, मैंने इसको फेस पे लगाया और मैं सुबह उठी, 2-3 दिन अच्छा चला। उसके बाद 3 दिन के बाद यूज़ करने के बाद इसने मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल छोटे छोटे दाने आने लगे थे, जैसे कि इसने मुझे एलर्जी टाइप कुछ हो गया था गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपन बट कुछ एलर्जी टाइप हो गया था। एंड मेरी स्किन भी डार्क हो गई थी, जो मेरी मम्मा ने नोटिस किया, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने ध्यान से देखा, क्योंकि हमारी आंखों पे पर्दा पड़ रहा था, जो ये बोलते हैं ना हमें वही लगता है कि वही होगा। तो गाइज, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मेरी मम्मा ने बताया कि तुम्हारा फेस इतना डार्क क्यों लग रहा है, डल क्यों लग रहा है। मैंने क्या सोच के लिया था और क्या हुआ मेरे साथ, मतलब इसको ठीक करने के लिए ना गाइज मुझे पूरा 1 महीना लगा। मुझे पता है मैंने अपने फेस को कैसे ठीक किया, ये सब कुछ मैंने फेस किया इस क्रीम को 25 डेज लगाने के बाद। उसके आप देख पा रहे हो ये काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, इतना मैंने इसको यूज़ किया, ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म हो चुकी है। तो 25 डेज इज गाइस। सो गाइस, सबका एक्सपीरियंस हर प्रोडक्ट के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ सबका अलग अलग होता है। मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आप लोगों को बताया है। सो गाइस, अगर पारस जी आप भी इस वीडियो को देख रहे हो, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी, मतलब इस दुनिया में कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो प्लीज़ कस्टमर तक सबसे पहले उसका एक सैंपल पहुंचाया जाए, ताकि वो फेस पर लगा के दे सके कि उसे सूट हो रहा है या नहीं। फिर बाद में तो अगर उसको अच्छा लगा तो ऑब्वियस वो आपके वेबसाइट पर जाएगा और खरीदेगा ही, ऐसा तो कि नहीं खरीदेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं खरीदेगा। और 599 इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है गाइज इस क्रीम की। तो अगर आप इसका सैंपल पहले कस्टमर तक पहुंचा देते हो, तो इट्स विल बी इजी फॉर अस कि पहले यूज़ किया, एक्सपीरियंस किया, फिर हम लोग आप इसे खरीदेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में इतना दम है तो क्यों नहीं खरीदेंगे हम लोग। सो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा। अगर पारस जी आप देख रहे हो तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्रीम मेरे अभी किसी काम की नहीं। अगर फिर भी कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और उसको चाहिए, तो मैं कॉरियर कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ है, किसी के काम आ जाएगी, मेरे लिए तो वेस्टेड है, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाले। और 599 कोई छोटी कॉस्ट तो है नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आजकल के टाइम में।
सो गाइज मेरा जो भी एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट को लेके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड एंड फैमिली एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय गाइज, लव यू गाइज।